हाँ जी, सत श्री अकाल टेक लवर्स। एप्पल ए कंपनी जैसे ही इंडस्ट्री च पैर रखती है तहलका मचा दिंदी है। ऐसे तरह ही पर्सनल कंप्यूटर बनाउन वाली ए कंपनी ने जदों अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया तो उसने मार्केट नू हिला के रख दिता। ए गैजेट इन्ना ताकड़ सी कि ए पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री नू ताक के 10 साल अगे लै गया। इस तो बाद भी अपने इनोवेशन ते ब्रांड वैल्यू करके आईफोन अज भी एक स्टेटस सिंबल है। आओ एक नज़र मारिए शुरू तो हुन तक दी आईफोन जर्नी ते। 2007 विच जदों एप्पल दे को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया उस समय मार्केट का सब तो पॉपुलर फोन सी नोकिया 1200। इस तो अलावा मार्केट विच क्वालिटी कीपैड वाले कुछ एडवांस फोन भी मौजूद सन, लाइक मोटोरोला क्यू, ब्लैकबेरी Q10, नोकिया 9300। बट आईफोन दी लुक बहुत ही शानदार सी। इहदी फ्रंट साइड ते सिर्फ इक्को बटन ते बाकी फोन्स नालों दुगनी 3.5 इंच दी मल्टी टच फंक्शनैलिटी नूं सपोर्ट करन वाली एक प्रोपर टच स्क्रीन सी। कैंट लुक्स के नाल नाल ए फोन यूज़ करने विच भी बहुत ईजी सी। भावें इन्ना महंगा सी कि इहदे जिन्ने प्राइस विच एक दर्जन नोकिया 1200 आ जांदे, पर फिर भी 61 लाख यूनिट सैल करके ए एक जबरदस्त हिट साबित होया, पर इंडिया नूं छड्ड के, बिकॉज इंडिया विच ए कदे लॉन्च ही नहीं किया गया। फन फैक्ट, एप्पल ने पहला टच स्क्रीन डिवाइस 1983 विच बनाया सी, पर ए एक मोबाइल नहीं लैंडलाइन फोन सी जो फैक्टरी ट्रायल तो अगे नहीं वध पाया। इस तो बाद नैक्सट ईयर लॉन्च किया गया आईफोन 3G। पहले आईफोन वरी लोगों की शिकायत सी कि यह बहुत महंगा सी, सो आईफोन 3G की टैगलाइन सी ट्वाइस एज फास्ट एट हाफ द प्राइस, यानी कि डबल स्पीड वो भी अद्धे प्राइस। सो आईफोन 3G पिछले मॉडल नालों सस्ता ते 3G कनैक्टिविटी ते चिपसैट इंप्रूव होने करके काफ़ी फास्ट भी सी। ते सब तो खास आईफोन 3G विच पहली बार ऐप स्टोर नू भी इंट्रोड्यूस किया गया सी, ते यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप्स नू भी ऐड कर सकते सन। 2009 विच आया आईफोन 3GS जो लुक वाइज ऑलमोस्ट आईफोन 3G वर्गा ही सी। एस का मतलब सी स्पीड, नवा ते पावरफुल प्रोसेसर करके स्पीड काफ़ी वधिया हो गई सी। रियर कैमरा वध के 3 मेगापिक्सल का हो गया सी ते फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग नू ऐड किया गया सी। पहले हफ्ते विच ही आईफोन 3GS दियां रिकॉर्ड तोड़ 10 लाख यूनिट सेल हो गई सी। फर्स्ट आईफोन विच पहला प्लास्टिक दी डिस्प्ले प्रोटेक्शन यूज़ की गई सी, बट ट्रायल दौरान स्टीव जॉब्स की जेब विचों कीज नाल इसते स्क्रैच पै गए सी। फिर लॉन्च तो ठीक पहला कोर्निंग नाम दी कंपनी तो ग्लास ऑर्डर करके इन्हां नू रातों रात चेंज करवाया गया। आईफोन 4 नू उस समय एप्पल अपना बेस्ट डिज़ाइन मानता सी। मटैलिक फ्रेम वाला ये डिज़ाइन सचमुच शानदार सी। एप्पल ने रेटिना डिस्प्ले ते सेल्फी लई वीजीए फ्रंट कैमरा आईफोन 4 विच इंट्रोड्यूस करवाया सी। आईफोन 4S, इस मॉडल विच एस का मतलब सी सिरी। पहली बार किसी फोन विच AI असिस्टेंट की सपोर्ट दी गई सी। प्रोसेसर ड्यूल कोर ते कैमरा 5 मेगापिक्सल ते 8 मेगापिक्सल हो गया सी। 2012 विच लॉन्च होया आईफोन 5। इस बार 2-3 वड्डे चेंजेस ऐड किए गए। डिस्प्ले साइज 3.5 इंच तो वध के 4 इंच हो गया। 1GB रैम की सपोर्ट नाल परफॉर्मेंस शानदार हो गई सी ते ऐसे फोन विच ही लाइटनिंग कनैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया सी जो 9 साल बाद भी चलता आ रहा है। 2013 विच एप्पल ने 2 फोन कट्ठे लॉन्च किए, 5S एंड 5C। ये दोवें लास्ट फोन सन जो स्टीव जॉब्स की अंडर गाइडेंस विच बनाए गए सन। 5S एक सुपीरियर क्वालिटी का फोन सी जिस विच पहली बार टच ID नू ऐड किया गया सी, यानी तुसी फिंगरप्रिंट नाल फोन अनलॉक कर सकते हो। M7 को प्रोसैसर की सपोर्ट नाल स्पीड भी इनक्रीज हो गई सी। 5C च C का मतलब सी कलरफुल। ये थोड़ा सस्ता फोन सी जो कट फीचर मैटल या ग्लास बॉडी की थां प्लास्टिक बॉडी विच 5 डिफरेंट कलर्स विच लॉन्च किया गया सी। एप्पल ने सोचा सी सस्ता आईफोन कढ़ांगे तां ज़्यादा विकू, पर लोगों नू कदे सस्ता आईफोन पसंद आया ही नहीं। लोग सीधा महंगे वल भज्जे ते 5S बहुत विकया।
जबकि आईफोन 5 सी फ्लॉप हो गया। सो कंपनी समझ गई सी कि सस्ता छड महंगे ते फोकस करिए ते पैसा छापन का ये मौका एप्पल किवें छड दिंदी। सो एक स्टैप होर अगे वध के एक प्लस वर्जन लॉन्च किया गया आईफोन 6 के नाल नाल आईफोन 6 प्लस लॉन्च किया गया जिसने वड्डे स्क्रीन वाले आईफोन की लंबे समय तो हो रही उड़ीक नू खत्म किया। आईफोन 6 विच 4.7 इंच की ते 6 प्लस विच 5.5 इंच की शानदार रेटीना डिस्प्ले दी गई सी। इस दे नाल नाल कैमरा ते बैटरी नू ही इंप्रूव किया गया सी। ग्लास बॉडी तो डिजाइन एलूमीनियम बॉडी विच चेंज किया गया बट इस एलूमीनियम बॉडी नाल एक काफ़ी वड्डी कॉन्ट्रावर्सी भी जुड़ गई कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर पैन ते ए फोन बैंड हो जाते सी। पर इन्हां सब दे बावजूद आईफोन 6 प्लस दियां एक हफ्ते विच 1 करोड़ यूनिट सोल्ड हो गईं जो अज तक दा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस तो बाद आए आईफोन 6S ते 6S प्लस इन्हां विच रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल तक अपग्रेड किया गया। एप्पल दी 3G टच टेक्नोलॉजी भी पहली बार 6S ते 6S प्लस विच ही देखन नू मिली सी ते एप्पल दा जो रोज़ कलर है वह भी ऐसे साल ही इंट्रोड्यूस करवाया गया सी। 2016 विच एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन SE। SE दा मतलब स्पेशल ऑडिशन। ये स्पेशल एडिशन एप्पल सिर्फ लीप ईयर च यानी कि 4 साल च सिर्फ एक बार लॉन्च करता है। इसनों स्पेशल बनाने लई आईफोन 5S के बॉडी फ्रेम विच 6S का हार्डवेयर फिट करके लॉन्च किया गया यानी कि सेम प्रोसेसर सेम कैमरा बाकी सब कुछ सेम 6S का बस बॉडी 5S की सी। ये हाई स्पीड वाला कॉम्पैक्ट साइज का आईफोन लोगों को काफ़ी पसंद आया ते नैक्सट 2-3 साल तक काफ़ी विकया। 2016 विच एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 7 ते आईफोन 7 प्लस। ये 2-3 वड्डे वड्डे चेंजेस देखने को मिले। ऐसे मॉडल तो ही आईफोन ने ईयरफोन जैक देना बंद कर दिता सी। होम बटन फिजिकल तो स्टैटिक कर दिता नाल ही इस विच 2 रियर कैमरा मिले सन जिन्हों का पोर्ट्रेट मोड बहुत ही शानदार सी। ये आईफोन कंप्लीटली वाटर रेसिस्टेंट सी। फन फैक्ट 2016 विच एप्पल ने अपनी 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ यूनिट सेल कर दित्तियां सी। वाह क्या बात है 100 करोड़। इस तों बाद लॉन्च किया गया आईफोन 8 एंड 8 प्लस। वैसे इनू 7S कहना ज़्यादा सही रहेगा उही डिज़ाइन उही हार्डवेयर बस वड्डा चेंज यही सी कि मैटल बॉडी ग्लास बॉडी चेंज कर दित्ती सी। ऐसे आईफोन तो ही एप्पल ने वायरलैस चार्जर टैक्नोलॉजी नू भी इंट्रोड्यूस करवाया सी पर यह बहुत स्लो सी। 8 अते 8 प्लस के नाल लॉन्च किया सी आईफोन 10 जो कि आईफोन का 10th एनिवर्सरी एडिशन सी। शानदार फीचर नाल लोडिड पहला आईफोन सी जिहदी कीमत 1 लाख तो उपर दे ब्रैकेट च आउंदी सी। टच आईडी नू हटा के फेस आईडी नू इंट्रोड्यूस किया गया सी ते नाल ही मिलदी सी कंप्लीटली बजरलैस नॉच डिस्प्ले। इस तों बाद नैक्सट ईयर 2018 विच लॉन्च किया गया XS ते XS मैक्स। ये दोनों लार्ज स्क्रीन फोन सन। XS का स्क्रीन साइज सी 5.8 इंच ते X मैक्स का 6.4 इंच। मैक्स वर्जन लॉन्च करन दा मकसद ये सी के लोग वड्डे आईफोन लई ज़्यादा पे करन नू तैयार सी सो एप्पल ने वड्डा आईफोन लॉन्च करता। पर जो वड्डा चेंज आया वो आया आईफोन 10R जिन्हों मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन के नाम तो लॉन्च किया गया। भावें LED डिस्प्ले सी सिंगल कैमरा सी पर शो ऑफ लई आईफोन यूज़ करने वाले घट प्राइस करके इनू बहुत पसंद किया। इस तों बाद आया आईफोन 11 ये पहली बार वाइड एंगल लेंस कैमरा ऐड किया गया। वाइड एंगल लेंस नाल पोर्ट्रेट इमेज बहुत शानदार क्लिक होंदियां सन। स्लो मोशन सैल्फी यानी स्लोफीज भी ऐसे फोन नाल इंट्रोड्यूस करवाए गए। दैन लॉन्च किया गया आईफोन का दूसरा स्पेशल एडिशन। ये एप्पल ने आईफोन 8 का डिज़ाइन लिया ते अंदर आईफोन 11 का हार्डवेयर फिट करता। इन्हें छोटे ते कंपैक्ट आईफोन के रूप में सामने लियाया गया सी ते ये लास्ट आईफोन सी जिदे विच टच आईडी देखने मिली सी। आईफोन स्पेशल एडिशन 2nd जनरेशन कुछ टाइम पहला लॉन्च करन दा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 2020 विच एप्पल ने धड़ाधड़ 4 आईफोन लॉन्च करने सी आईफोन 12 मिनी आईफोन 12 आईफोन 12 प्रो
आईफोन 12 प्रो मैक्स। एप्पल ने सोचा सी कि छोटा आईफोन जानी के मिनी काफ़ी पसंद किया जाऊगा, बट इनू कुछ खास रिस्पोंस नहीं मिलिया। जे गल करिए सीरीज़ के बाकी फोनस की, तो 5G नू ऐसे सीरीज़ विच ही ऐड किया गया सी। ते एप्पल ने अपनी मार्केटिंग नाल 5G की काफ़ी हाइप क्रिएट की, एदा फायदा भी मिलिया। तो लोगों ने ग्लोबली रियल लाइफ 5G जे किसी फोन नाल एक्सपीरियंस किया तो वह आईफोन 12 सीरीज़ ही सी। इस तो अलावा हार्डवेयर बैटरी विच भी थोड़े थोड़े चेंजिस किए गए। कुल मिला के 12 सीरीज़ भी काफ़ी हिट साबित हुई। फन फैक्ट, नवंबर 2018 तक एप्पल टोटल 2.2 बिलियन यूनिट्स यानी कि 220 करोड़ प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया विच वेच चुकया है। हुण गल करते हैं ऐसे साल लॉन्च होए आईफोन 13 सीरीज़ की, जिन्हें आई थिंक हुण तक यूजर्स नूं सब तो वध निराश किया होगा। आईफोन 12 मिनी दे फ्लोप हो जाने तो बाद पता नहीं की सोच के 13 मिनी लिया गया। तो जे गल करिए 13 प्रो मैक्स की, तो 120Hz रीफ्रैश रेट, सिनमैटिक वीडियोग्राफी, सेंसर साइज इनक्रीज़, यानी कि माइनर इंप्रूवमेंट के नाल ही ये सीरीज़ सामने आई। आई थिंक जेडे यूजर्स ऑलरेडी 11 या 12 सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं उन्होंने अपग्रेड करन च पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि आईफोन 14 के लीक्स के र्यूमरस ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि नैक्सट आईफोन आपां बिना किसी नोच के 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो नाल, ईवन ये भी हो सकता है कि कंप्लीटली पोर्टलैस ही लॉन्च किया जाए। इस दे नाल ही एप्पल फोल्डेबल आईफोन ते भी काम कर रहा है, जो सैमसंग दे जी फ्लिप 3 या जी फोल्ड 3 वर्गा हो सकता है। तो जे एप्पल ने छेती ही ये वड्डे डिसीजन ना लाए तो उन्हें नोकिया वांगू हिस्टरी बनन च बाला टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री इन्ना कॉम्पीटिशन है कि छोटे छोटे रोंग डिसीजनस करके ही नोकिया, ब्लैकबेरी, HTC वर्गियां कई कंपनियां डूब गई हैं। नैक्सट वीडियो विच एहो जही ही एक कंपनी दे अर्श तो फर्श ते पहुंचन दी कहानी शेयर करांगे। कमेंट बॉक्स विच टाइप करके जरूर दस्यो कि तुसी किदी अर्श तो फर्श ते डिगन दी स्टोरी देखना चाहोगे। हिंदी इंग्लिश च तां टैक चैनल बहुत हैं, माँ बोली पंजाबी नूं अगे वधाउण लई लाइक करके वीडियो वध तों वध शेयर जरूर करियो। विश यू वधिया एंड हैव ए नाइस डे।